नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आज आपको लेके आया हूं चाइना के मेट्रो स्टेशन को दिखाने के लिए। मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैं स्पेस क्राफ्ट में हूं। मैं स्पेस क्राफ्ट में नहीं, मैं चाइना के एक मेट्रो स्टेशन पे हूं। यहां किस शहर में हूं? यह हूं चेंदू में, सिचुआन के चेंदू शहर में। और यहां के मेट्रो स्टेशन की ऐसी खूबसूरती आपने पहले नहीं देखी होगी। दिखाता हूँ एक एक करके यहाँ के खूबसूरत मेट्रो स्टेशन और यूनिक मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, चाइना के अंदर हर एक मेट्रो स्टेशन को अलग थीम के साथ विकसित किया जाता है। यहाँ की जो डिजाइनिंग है, कलाकारी है, वास्तव में अलग ही होती है। ऐसा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट पे घूम रहे हो, न केवल चेंदू शहर की बल्कि यहाँ ग्वांगझोउ और शेंज़ेन जैसे शहरों, शंघाई जैसे शहरों में आप जाओगे तो आप देख करके चौंक जाओगे। यहाँ पे लिखा होता है कि किस दिन आपके इस मेट्रो की पूरी एकदम क्लीनिंग हुई थी, सफाई हुई थी। अब एक एक करके मैं आपको बहुत सारे मेट्रो स्टेशन आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ इंक्यूबेशन पार्क है। यहाँ का जो थीम है वो एक अलग प्रकार का थीम है। यहाँ एक गजब तरीके से यहाँ डिजाइनिंग की गई है। इसको भी देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। बहुत ही अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है। हर एक मेट्रो स्टेशन का अलग थीम होता है। हालांकि एक लाइन जो होती है उसमें जो कलर की लाइन होती है उसका वहाँ पे आपको इफेक्ट नज़र आता है, इन्फ्लुएंस जरूर नज़र आता है, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी है बहुत ही लाजवाब है। तभी मेट्रो स्टेशन की साफ सफाई ना वास्तव में एक नंबर। हर जगह आपको इतना साफ सफाई दिखाई पड़ेगा, कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आपको ये जानकारी भी देखने को मिलती है कि देखिए ये हाई कूल है, लो कूल है, किस तरीके का ये जो डब्बा है वो रहेगा। सर्दियों में इसको गर्म रखें और गर्मियों के अंदर इसको ठंडा रखते हैं, इस तरीके से देखिए भाई। नाउ जो नेक्स्ट स्टेशन है वो तो वास्तव में बहुत ही लाजवाब और बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है। वैसा लगता है जैसे कि एयरपोर्ट को ही यहाँ डेवलप किया गया हो। वास्तव में एक नंबर, बहुत ही लाजवाब। अठारह नंबर की लाइन का यह बारवा स्टेशन है जिसे बोलते हैं थियनपो स्टेडियम, और इसकी डेकोरेशन तो और भी लाजवाब है। इसके आगे आने वाले जो स्टेशन है ना वो तो और भी अल्टीमेट होंगे। फॉलो सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए। कहां से वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करिए, डिटेल से वीडियो दिखाऊंगा। अब देखिए ऊपर चलते हैं। इसकी जो क्या भाई कारीगरी इन्होंने की है ना, हर एक चीज को बहुत ही गजब तरीके से बनाया है। हर एक स्टेशन पहले वाले से डिफरेंट दिखता है और ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। वीडियो बनाने का समय रात के लगभग 10:30 हो रहे हैं और इसकी वजह से लोगों की यहां कमी हो रही है। और यहां भाई देखो ये डेकोरेशन जो है ना वास्तव में बहुत ही गजब है। ये देखो इसकी लाइटिंग, रात को बहुत सारे फूल और इनकी कलाकारी के साथ साथ लाइटिंग का जो व्यू होता है ना, अल्टीमेट भाई। मैंने आज से पहले ऐसा व्यू कभी नहीं देखा। चेंदू मेट्रो दुनिया की सबसे बड़ी 5 मेट्रोज में से एक है और वो 5ों चाइना में ही है। पहली बीजिंग की, शंघाई की, उसके बाद शेंज़ेन, ग्वांगझोउ और फिर आता है यहाँ चेंदू में। जिस स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ इसे बोलते हैं लानचियातियन, और ये भी बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। मतलब आगे आने वाले जो स्टेशन है ना वो एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं आपको दोस्तों। और इसका भाई व्यू देखो बहुत ही गजब, नीले कलर का पूरा इसका व्यू है क्योंकि ये नीली पट्टी की लाइन है और इसका पूरा थीम नीले कलर में है। बहुत ही गजब यहाँ का देखिए स्टेशन है। इसका एक व्यू दिखाता हूँ आपको, मतलब नीचे जो फर्श है ना उसके अंदर ऊपर की जब लाइटिंग नजर आती है तो वास्तव में अल्टीमेट व्यू। आपने इस प्रकार के मस्त मस्त अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मेट्रो स्टेशन देखे हैं पहले तो कमेंट जरूर करिए। एक से बढ़कर एक सुंदर मेट्रो स्टेशन नजर आ रहे हैं।
सबसे पहली बार मेट्रो की शुरुआत यहाँ पे 27 सितंबर 2010 को होती है और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी मेट्रो लाइन्स बनती जाती है। चेंदू मेट्रो में टोटल 13 लाइनें और 373 नंबर्स ऑफ स्टेशंस है, जिसमें डेली 6 मिलियन के करीबन लोग ट्रेवल करते हैं और मैक्सिमम जो इसका पीक रहा था वो 7.8 मिलियन लोग 2023 में रिकॉर्ड किए गए थे। सब लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं चाइना के बारे में सोचने का, लेकिन चाइना ने जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो वास्तव में काबिले तारीफ और एप्रिसिएटेबल है। उन्होंने बहुत मेहनत की है और यह लुकिंग में भी बहुत ही खूबसूरत है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए दोस्तों, ताकि आगे के वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और पुराने वीडियो जरूर जाके चेकआउट करिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैंने केस स्टडी के वीडियोस आपके लिए चाइना की बहुत ही अच्छी लोकेशंस के बनाए हैं, तो जरूर चेकआउट करिए। मिलते अगले वीडियो। जय हिंद।